हरदी बाजार चौकी क्षेत्र के ग्राम रामपुर के पास हुए जबरदस्त सड़क हादसे में करीब 3 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी बिलासपुर के ग्राम ओढांगी में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। माल वाहन में सवार होने के कारण कुछ ही दूरी पर वाहन पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ। इस हादसे में कई लोगों को गंभीर चोट भी लगी है, जिनमें से कुछ का उपचार हरदी बाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है, जबकि कुछ को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। हरदी बाजार चौकी क्षेत्र के ग्राम रामपुर से बिलासपुर के ग्राम ओढांगी जा रही लोगों से भरी छोटा हाथी वाहन गांव से कुछ दूरी पर जाकर पलट गई। हादसा होने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। 3 दर्जन से अधिक लोगों से भरी वाहन के पलटने से मौके पर कोहराम की स्थिति निर्मित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने डायल 112 और 108 को सूचना दी। सूचना के तत्काल बाद मौके पर पहुंची 112 और 108 की टीम ने घायलों को हरदी बाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इस दुर्घटना में 1 दर्जन लोगों को गंभीर चोट लगी है, जिन्हें प्राथमिकी उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे में जिन लोगों को चोट लगी है उनका नाम बुधवारा बाई, रामला बाई, सरस्वती, जानकी बाई, भगवती बाई, दुलेश्वरी, सुंदरिया बाई, अनिल कुमार, सुकृता, सुशीला, सावित्री, विक्रम सिंह, गुलापा, इंदु, अंजुबा, उत्तराबाई है। के बीच रोड मस्जिद से ऐसे धीरे धीरे चलात रही से कैसे वो पलटी जो पता नहीं पाई कोई के कोई बीच रोड में जाके अपन मन के खप लाई थी। का गाड़ी रही से वो छोटा हाथी। और कतेक आदमी रहे होमा? होमा रहे हैं 20-25 जन रहे हैं। तो कैसे पलटी से पलट गया गाड़ी? कैसे पलटी तेरा नहीं जान। ये कहाँ लंग हुई से है? ये है का कथे अनिल बारी की पार तालाब है। वहाँ पे जाके सब लोग पढ़ा रहे थे, सब लोग को चोट आई थी, सब लोग एकदम जख्मी थे। सबको अपने फिर गाड़ी से तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया। 108 को भी 112 को भी फोन लगाए, उनकी भी टीम आ गई और पुलिस का भी पेट्रोलिंग टीम आया। फिर जितने भी बच्चे थे उनको फिर लेके हरदी बाजार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हाथी पलट के कारण खबर मिली है और उनका तत्काल इलाज किया गया है। हमारे सभी डॉक्टर, हमारी स्टाफ उत्तरदा के स्टाफ में इलाज किया गया है, जिसमें से 16 में से 12 लोग को गंभीर चोट आने के कारण, जिसके हाथ पैर टूटा था, उतना किसी की मृत्यु होने की संभावना नहीं लगती, इनको सबको कोरबा रेफर किया गया है। दुर्घटना की मूल वजह वाहन में क्षमता से अधिक लोगों का भरा जाना बताया जा रहा है। वैसे भी माल वाहक वाहनों में लोगों का परिवहन करना गैर कानूनी है, बावजूद इसके लोग नियमों को दरकिनार करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए हरदी बाजार से विनोद उपाध्याय की रिपोर्ट।